अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पावर पॉइंट के ऊपर 3D एनिमेशन स्लाइड्स कैसे बनाई जाती हैं। तो हमें अपने कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करना है और यहाँ पर ये होम है। डिज़ाइंस के अंदर आके हमें फ्रेंड्स इसका पेज सेटअप चेंज करना है। तो हम यहाँ पर इसका पेज सेटअप के अंदर फिर 14 लिख देते हैं एंड देन पेज हमारा यहाँ पर बड़ा हो चुका है। और उसके बाद हमें यहाँ पर इंसर्ट में आना है। उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरह। ये इस तरीके से हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेते हैं और हमें इंसर्ट पर आके शेप में आना है। उसके बाद हम यहाँ पे सर्किल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सर्किल को 6 इंच इस तरीके से हम इस सर्किल को यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। इसकी विड्थ और हाइट हमें सेम रखनी है और यहाँ पर हम इसको इधर रख देते हैं और हमें इसके अंदर नोट लाइन और यहाँ पर हम फिल कलर्स के अंदर इसका कलर रख देते हैं वाइट इस तरीके से। तो यहाँ पर इस हमें इंसर्ट के अंदर आकर शेप्स में आना है। अब यहाँ पर हमें हाफ कट सर्किल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं और इसकी भी मैं विड्थ और हाइट वही रखूँगा जो मैंने उसकी रखी 8। तो ये इसकी भी विड्थ और हाइट उस सेम हो गई और यहाँ पे हम इसको भी छोटा कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको इधर रख देते हैं और थोड़ा सा और छोटा इस तरीके से हम यहाँ पे इसको रख दें और इसको हम रोटेट कर देते हैं वर्टिकल। और यहाँ पर नॉट लाइन और यहाँ पर हमें शेप फिल के अंदर आके इसके अंदर हम कलर रख देते हैं ऑरेंज और यहाँ पर हम इसको इसको ग्रुप कर देते हैं कंट्रोल जी या फिर यहाँ पर आप आकर तो हम इसको और इसको ग्रुप कर देते हैं यहाँ पर। हम इसको और इसको यहाँ पर लाकर ग्रुप कर देते हैं और हमें इसको सेलेक्ट करना है एनिमेशंस पे जाकर कस्टम एनिमेशंस पे। कस्टम एनिमेशंस पे आके फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसको कर देते हैं स्पिन। तो हम इसको प्ले करके देखते हैं तो ये देखें इस तरीके से। और यहाँ पर हमें इफेक्ट्स ऑप्शन में आना है और यहाँ हम इसको कर देते हैं 120 डिग्री एंड आप इसको प्ले करके देखते हैं हम तो ये इस तरीके से मूव करेगा हमारा। और उसके बाद हमें इसके वो डुप्लीकेट हम निकाल लेते हैं कंट्रोल डी इस तरीके से हम निकाल लेते हैं इसके डुप्लीकेट और यहाँ पर हमें इसके डुप्लीकेट्स को रखते जाते हैं। और यहाँ पे हम इसके डुप्लीकेट रखते जाते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर हम इंसर्ट के अंदर आके फ्रेंड्स और शेप लेके एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको कर देते हैं कट या फिर इसको भी ऐसे ही रहने
हम इसके कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको कलर दे देते हैं येलो ग्रीन, और यहाँ पर इसको हम कलर दे देते हैं ब्लू, यहाँ पर हम इसको कलर दे देते हैं रेड। तो यहाँ पर हम इस तरीके से वन बाय वन इसकी कलरिंग करेंगे, और इसको हम तो हमें इसके एनिमेशंस पे आके कस्टम एनिमेशंस पे आना है फ्रेंड्स, और उसके बाद हमें ये ग्रुप 7 है और 1 है इसके ऊपर इफेक्ट्स ऑप्शन पे आके यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 150 150 इंट्रो, और अब हम इसको यहाँ पर प्ले करके देखते हैं, और यहाँ पर ये अलग अलग उसमें मूव करेंगे, और ये इन दोनों को भी मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इधर आकर हमें इसको इफेक्ट्स ऑप्शन के अंदर आना है, और यहाँ पर हम इसको भी कर देते हैं 150। तो यहाँ पर अब हम इसको प्ले करके देखते हैं, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री इसको हम, और यहाँ पर अब हम इसको प्ले करके देखेंगे तो ये कुछ एंगल हमारे इस तरीके से मूव करेंगे। कुछ एंगल हमारे इस तरीके से मूव करेंगे, और यहाँ पर हमें इसको कट करना है एनिमेशन स्पेन को, और यहाँ पर हम इसे रेक्टेंगल को बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर हम वन बाय वन शेप्स को पर इनकी सेटिंग्स के हिसाब से रख देते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से इनकी आप सेटिंग कर दें, और यहाँ पर हमें इसके अंदर नो आउटलाइन और इसका कलर बैकग्राउंड जैसा ही रख देते हैं, तरीके का है तो इस तरीके का रख देते हैं। और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं हमारी शेप्स कट चुकी हैं, अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ, तो आप देखें किस तरीके से शेप मूव कर रही है। तरीके से हमारी शेप्स मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें अगेन होम पे आना है, और हम इंसर्ट के अंदर आके टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ हमें टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 60 डिग्री, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका कलर हम सेम रख देते हैं ऑरेंज, और यहाँ पर हम इसको सेट कर देते हैं, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं, और इसको हम यहाँ पर बोल्ड कर देंगे, आइटैलिक कर देंगे, और यहाँ पर हमें अगेन इंसर्ट के अंदर आके टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है, इधर आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट शो कर सकते हैं, डिजाइन फिर डिजाइन। और यहाँ पर हम इसका भी सेम कलर कर देते हैं, और यहाँ पे इसको हम बड़ा कर देते हैं, और इसको हम यहाँ पर लाकर इधर सेट कर देते हैं,
यहाँ पर ये इस तरीके से हम इसको भी बोल कर देते हैं। इसको हम यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं, आइटैलिक कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको थोड़ा कर देते हैं। और यहाँ पर हमें इंसर्ट में आके अगेन टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है। हम कुछ और मज़ीद टेक्स्ट सेट कर रहे हैं इसके अंदर। Here you should add some text to explore. मेन टाइटल। और यहाँ पर हम इसको इंटर कर देते हैं मेन टाइटल को। और यहाँ पर हम इसे इग्नोर कर देंगे ताकि हमारी ये रेड लाइन शो ना हो, इग्नोर कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको सेंटर पॉइंट दे देते हैं। इसको सेलेक्ट आल करके इसको सेंटर पॉइंट दे देते हैं। और इसका कलर हम रख देते हैं, और इसको हमें यहाँ पर लाकर पेस्ट करना है। और इसका हम कलर रख देते हैं, वाइट अच्छा नहीं लगेगा तो थोड़ा डार्क। और ये कलर फ्रेंड्स सही लग रहा है तो मैं ये कलर रख देता हूँ। और इसके बाद ये देखें हमारी कुछ इस तरीके से शेप डिज़ाइन हो चुकी है। उसके बाद हमें इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें इनको सेलेक्ट करके तो यहाँ पर हम इधर और भी इनके ग्रुप कर लेते हैं इस तरीके से। इसकी कॉपी निकाल लेते हैं एक। और यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, वाले कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर इसको भी कॉपी कर लेते हैं। हम इसको वन बाय वन इधर रखते जाते हैं फिर, और इसको पेस्ट करते हैं। और यहाँ पर हम इसको वन बाय वन इधर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम इसको बड़ा कर देते हैं इस तरीके से। और इसका कलर हम उस जैसा ही रख देंगे। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और इसको यार ये तो ऐसा ही नहीं। और यहाँ पर आप देखें मैंने इस तरीके से इसको
तो यहाँ पर मैं 60 डिग्री नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 70 डिग्री, और यहाँ पर हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इधर लाके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। पर मैं इंसर्ट के अंदर आकर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और इंसर्ट के अंदर आकर मैं इसको फिर पेस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। हमें यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको भी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी कर लिया इसको हमने इधर, और इसको लाके हमने इधर पेस्ट कर दिया, और इसका भी हम डिजाइन कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर हम रखते हैं येलो, और इसको भी हम बड़ा कर देते हैं इस तरीके से। और ये देखें हमारा, हम इस तरीके से हर एक की कलर चेंज कर देते हैं। और इस तरीके से हम हर एक की कलरिंग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 80 डिग्री, और देन यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा ब्लू, और यहाँ पर मैं इसकी भी राइटिंग स्टाइल बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से। तरीके से मैं इसका भी राइटिंग स्टाइल बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ लाके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो इस तरीके से मैं इधर इसकी भी एक ग्राफिक डिज़ाइन बना लेता हूँ। यहाँ पे इसका मैं सेम कलर रख देता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप वन बाय वन हर एक का साइज कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप हर एक का साइज और कलर चेंज कर सकते हैं। कॉपी करके इधर लाकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और इधर अगेन पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने दो कॉपी इसकी निकाल ली है, और इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तरीके से हम वन बाय वन इसको पेस्ट करते जाते हैं। और इस तरीके से हम इसको वन बाय वन पेस्ट करते जाएंगे, और यहाँ पर हमें इसकी भी, तो यहाँ पर मैं इसकी कर देता हूँ 90 डिग्री फ्रेंड्स,
और इसको भी मैं यहाँ पर कलर सेम कलर दे देता हूँ, रेड जो मैंने में दिया था, तो यहाँ पर मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ और इसका साइज मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से बड़ा कर देता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसका कुछ साइज़ बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको अगेन सेलेक्ट करके इसकी कॉपी करके इसे लाकर हम इसको पेस्ट कर लेंगे और ये इस तरीके से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हम इसकी इसको सेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, इसको भी हम रेड कलर दे देंगे यहाँ पर और इसका साइज बड़ा कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसको भी सेट कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं थ्री डी एनिमेशन स्लाइड्स, और यहाँ पर हम इसके अंदर भी थ्री ऐड कर देते हैं डी। तो इस तरीके से आप लोग अपनी कंप्यूटर के अंदर इजी, अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ, तो इस तरीके से कुछ हमारी 3D स्लाइड्स बन चुकी हैं। इस तरीके से हमने कलर भी इनके सेम रखे हैं और इस तरीके से हमारी वन बाय वन मूव कर रही हैं। और हम इसको कर देते हैं यहाँ पर होम पे आके, तो अब जो चीज़ है वो मैं करूँगा एनिमेशन इसके ऊपर सेट करूँगा कुछ इस तरीके से कि ये सेलेक्ट करना है मुझे ग्रुप को, और तो मैंने इस तरीके से अपनी ग्राफिक स्लाइड्स बनाई हैं। आप देखें स्लाइड शो करके इसको आप देन बाय क्लिक करेंगे, इस तरीके से हमारी परफेक्ट वर्क कर रही हैं ये इस तरीके से, और यहाँ पर ये भी इस तरीके से आएगी। और आप इसकी स्पीड कभी स्पीड भी कम कर सकते हैं, इस तरीके से हमारी ये वर्क कर रही है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर।